हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत करता हूँ फिर से मेरे एक नए गेम प्ले वीडियो में। दोस्तों, हमने पिछली बार वो चित्रा से जो भी थी उससे, वो टैटू वाली लड़की, उससे हमने एक ड्रिंक ली थी और ड्रिंक पीने के बाद हमने एक मोस्टर से लड़ाई की थी। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो ज़रूर देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो यहाँ पे हमें अब नया मिशन मिला है कि हमें हमारे जो रेस्क्यू फ्रेंड्स, मतलब जो हमें फ्रेंड्स मिले थे, उनसे बात करनी है। तो देखते हैं वो कितनी दूर है अर्थनेट के, वहाँ पे जो केव है वहाँ पे जाने हमें, देखते हैं वहाँ पे हमें फास्ट ट्रेवल कर सकते हैं क्या। तो यहाँ पे हम अर्थनेट, डॉक्टर अर्थनेट का फास्ट ट्रेवल कर सकते हैं। तो हम जल्दी से बिना कोई टाइम लगाए, बिना कोई टाइम गवाए यहाँ पे करते हैं फास्ट ट्रेवल। तो यहाँ पे है डॉक्टर अर्थनेट और यहाँ से हम कर लेते हैं, इनका ये मैंशन है और यहाँ से कर लेते हैं फास्ट ट्रेवल। और लोडिंग हो चुके हैं स्टार्ट। तो अब हम आ चुके हैं डॉक्टर अर्थनेट के घर पे और हमें जाना है उस केव में, जहाँ पे हमारे जो कि रेस्क्यूड फ्रेंड्स हैं, जो हमने फ्रेंड्स बचाए हुए हैं, वहाँ पे उनसे बात करनी है हमें। तो देखते हैं उस फ्रेंड्स में क्या होता है। तो यहाँ से है ये रास्ता और चलते हैं यहाँ से केव के अंदर, केव के अंदर जाके देखते हैं क्या होता है। तो हम अंदर आ चुके हैं और लोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। लोडिंग ख़त्म होने के बाद देखते हैं क्या बातें करते हैं जो हम जो रेस्क्यूड फ्रेंड्स हैं उनके साथ। अभी हमारा एक फ्रेंड अभी बचा हुआ है। I'm fine. बातें चल रही है, ये चारों जो ये पांचों हैं जेसन के साथ मिला के ये सारे ग्रुप में खड़े हुए हैं और ये कह रहा है आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूँ। और ये सारे शॉक हो गए हैं कि तुम क्यों नहीं जा रहे हो। तो यहाँ पे इसने कह दिया है कि मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ, मेरी जगह यहीं पे इस आइलैंड के साथ। देखते हैं आगे क्या बातें करते हैं। और अभी जा रहे हैं लीजा के पास, देखते हैं लीजा क्या कहती है। I am just trying to get a read on this. For the first time, I know exactly what I want, and I'm not gonna let it slip away. You are all grown up. I've been waiting for this forever, and now you're leaving me. यहाँ पे सारे दुखी हो रहे हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है, ये जाता भी है या नहीं जाता। इसने गुड बाय कह दिया है अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको। लीजा, लेट हिम गो। तो अभी हमने इनसे कह दिया है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पे रहूंगा एग्जिट द केव। अभी ये सारे रोना धोना करेंगे, देखते हैं बाद में हमें क्या नया मिलता है। मिशन गो ऑन देम, टेक केयर ऑफ योर गर्ल्स, दैट्स गुड। तो यहाँ पे इसको दी है सलाह और चलते हैं फिर देखते हैं आगे क्या होता है। लोडिंग हो गई है स्टार्ट और अब निकलेंगे हम केव से बाहर। तो हम पूछ चुके हैं दोस्तों बाहर और यहाँ पे है पूरी चांदनी रात, यहाँ पे तारे देख सकते हैं और यहाँ का व्यू देख सकते हैं आइलैंड का। बैक ऑन ट्रैक नाउ एजेंट विलेज। तो अब विलेज के एजेंट विलेज की बात कर रहा है, गो टॉक टू विलेज, विलेज के पास जा रहे हैं, देखते हैं हमारे पास उसका फास्ट ट्रेवल है या नहीं। तो यहाँ पे है बैड टाउन का, मेरे ख्याल से है बैड टाउन ही है ये। हाँ दोस्तों, अमना की आउटपोस्ट है शायद, देखते हैं विलेज। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से अमना की में क्या कर रहा होगा। यहाँ पे अमना की में है दोस्तों, अमना की वो वाली जगह है जहाँ पे हमें स्टार्टिंग में डैनिस मिला था, जहाँ पे वो डैनिस रहता है गाँव में। तो देखता हूँ उस अमना की विलेज में जाके हमें क्या मिलता है और वहाँ पे विलेज हमें क्या वहाँ मिलता है। तो दिल थाम के बैठिए दोस्तों, अब देखते हैं हमें क्या क्या करना होगा इस वाले मिशन में। फिलहाल तो इसने कह दिया है अपने दोस्तों को गुड बाय। तो यहाँ पे आउटपोस्ट है, मतलब दोस्तों हमने जो स्टार्टिंग में जो ये क्या बोलते हैं विलेज टाइप में जीता था उन लोगों से। तो यहाँ पे दोस्तों विलेज हंटली का आ चुका है फोन और देखते हैं दोस्तों क्या होता है। ये कहता है मैं यहीं पे रुकूंगा, मैं नहीं जा रहा। और ये कह रहा है मेरे को रशिया ऑपरेशन के लिए मैं जा रहा हूँ, मेरी टास्क फोर्स है और मैं आज रात को ही जा रहा हूँ। और ये कह रहा है कि मैं पहले तुम जाओ, इससे पहले मेरे को एक फेवर चाहिए तुमसे। तो यहाँ पे देखते हैं क्या फेवर चाहिए, क्या होता है इस मिशन में। और ये कह रहा है कि अभी मेरे को जाना है, अब मैं तुम्हारे लिए कैसे हेल्प करूँ। और यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं होएट के आइलैंड से ऊपर से जाऊंगा, जब रशिया जा रहा हूँ तो मैं तुम उतर जाना वहाँ पे। तो ये सही काम है दोस्तों, ये मेरे ख्याल से स्काई डाइविंग करेगा। और ऐसे कह रहे हैं मेरे पास थोड़ी ही मिनट बाकी हैं, अब मैं क्या तो तुम आ जाओ, नहीं तो मैं नहीं कर पाऊँगा। तो इस साइड है दोस्तों ये बैम्बूज कटरी, ये बूढ़ा बीच में आ रहे हैं।
तो भाई जल्दी से चलो चलो भाई, जंगल के बीच में चांदनी रात में देखते हैं कहाँ पे जाते हैं। और यहाँ पे आ चुके हैं पत्थर बीच में, और देखते हैं कहाँ से कहाँ पे जाना होगा, क्या हम 4 पौने 5 मिनट में पहुँच पाएंगे वहाँ पे। तो अभी तक तो मुझे कोई रास्ता नहीं दिखा। शिट 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 शिट, तो यहाँ पे हम गिर चुके हैं। आगे देखते हैं कोई ब्रिज टाइप में है क्या, और मेरे को तो यहाँ पे कोई भी ब्रिज नहीं दिखाई दे रहा है। और ये हो गई ना दोस्तों दिक्कत, अब कैसे जाएंगे हम आगे। और यहाँ पे दोस्तों टाइगर, यहाँ पे मैं खेलने की भूल नहीं करूँगा। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे, तो अभी तक तो कोई ब्रिज नहीं दिख रहा है, ना ही कोई वो दिख रहा है मेरे को जाने का रास्ता। और यहाँ से मैं कूदता हूँ और देखते हैं फिर कहाँ पे होती है, और पेड़ से टकरा के जल्दी से हमें भागना होगा। 4 मिनट बाकी है, 4 मिनट में देखते हैं पहुँच पाते हैं नहीं। और 520 मीटर की दूरी देखते हैं हम 3 मिनट पौने 4 मिनट में पूरे कर पाएंगे या नहीं। भाई जल्दी जैसन भाग भाग भाग। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना, और अच्छी लग रही है वीडियो तो लाइक कर देना, मैं रोज़ ही ऐसी वीडियोस डालता हूँ मज़ेदार। तो अभी देखते हैं 450 मीटर की दूरी हम 4.25 मिनट में कैसे कर पाएंगे। और शिट शिट, यहाँ पे तो भाई वाइट टाइगर है, जल्दी से हमें उस साइड भागना होगा। और यहाँ पे देखते हैं, उस साइड तो हम भाग लिए हैं, यहाँ पे कोई लकीली अगर कोई हमें कार मिल गई तो बहुत ज़्यादा भला होगा। और यहाँ पे ये भाई ओक्स भी है, यहाँ पे सारे जानवर हैं, और अगर इन्होंने हमला कर दिया तो बहुत बुरा होगा। हमारे पास है 3.5 मिनट, 3.5 मिनट में हमें 350 मीटर दूर कर पार करने हैं। और गाड़ी भी नहीं दिख रही है, रीच द एयर स्ट्रिप, एयर स्ट्रिप पे हमें पहुँचना है, देखते हैं क्या करना होगा। और यहाँ पे 270 मीटर की दूरी और है, 3 मिनट में क्या हम पहुँच पाएंगे, देखते हैं वहाँ पे एयर स्ट्रिप पे जाके क्या होता है। यहाँ पे अभी तक तो कोई गाड़ी नहीं मिली है, शायद हमारा लक अच्छा नहीं है, कोई भी नहीं यहाँ पे गाड़ी आ रही है। और चेक पॉइंट रीच हम पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे अभी पूरा नहीं पहुँचे, 180 मीटर पहुँचे, पर हमारा जो टाइम लिमिट था वो हो चुका है ख़त्म। अब हम आराम से भी पहुँच जाते हैं, और देखते हैं फिर दोस्तों मिशन में होता क्या है। विलेज हंटली इनकमिंग, ऊपर हेल्थ दे दिए विलेज हंटली की, देखते हैं क्या बता, वहाँ पर हमला हो रहा हो जब ही देते हैं हेल्थ हो, और देखते हैं हमें क्या पता बचाना उसे। सेव विलिस, मुझे को लगा ही था दोस्तों हमें विलिस को बचाना है। और यहाँ पे लग रही हैं दोस्तों गोलियाँ चल रही हैं, मैं पीछे जाके इसको पहले तो हमला करता हूँ। और यहाँ पे देखते हैं दोस्तों क्या होता है, और इसको भी मार दिया है। और यहाँ पे देखते हैं, और भाई साहब बहुत लोग आ रखे हैं, ऐसे तो मैं टेक डाउन से मारने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे टेक डाउन से छठे मरा ही है। और भाई साहब यार मार दे दो यार, एक तो मार दिया, दूसरा मार दिया, एक लास्ट रह गया भाई साहब, एक लास्ट रह गया। और शिट छुट गया बेकार, उसको भी मार दिया है। जल्दी से मैं रिलोड कर लेता हूँ, रिलोड तो पूरी है, सेव भी इसका हो चुका है मेरे ख्याल से, अभी तक यही मिशन था। और यहाँ पे मशीन गन लगी हुई, मेरे को लगता है प्रोटेक्ट विलेज, फिर से प्रोटेक्ट विलेज, तो मेरे को लगता है रिपेयर प्रोग्रेस, यहाँ पे रिपेयरिंग हो रही है, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, कोई आता है क्या। और अभी तक तो मेरे को कोई भी नहीं दिखा है, और देखते हैं बाद में होता क्या है। भाई आ जाओ, ओ भाई बोरा चाकू वाला आ रहा है, अभी यहीं से यही सही काम है दोस्तों, यहाँ पे मशीन गन लगा दिए, पर हमें वो भी करना होगा, इसमें से धुआं ना निकलने लग जाए अगर एक साथ हम चला देंगे। तो यहाँ पे कुछ और दिख रहे हैं, यहाँ पे रेड कलर में जैसे पत्ता देख सकते हैं, और रेड कलर की ये बात है दोस्तों वो दूर से ही दिख रहा था, और वहाँ से भी कुछ और आ सकते हैं। और यहाँ पे जैसे कि मैं जूम करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग इस साइड से आगे लगातार गोले चला दे, भाई लग नहीं दिया इसको, यहाँ पे हमने मार दिए हैं, मेरे ख्याल से एक भी नहीं बचा हुआ है। जल्दी भाई, यहाँ पे एक बचा हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं पेड़ के नीचे, पेड़ के पीछे, और यहाँ पे वो बच के भाग रहा था भाई, पर मार दिया हमने, देखते हैं बाद में क्या होता है। और यहाँ पे ओ शिट, उस साइड से भी आ रहा है शायद, उस साइड से भी आ गए शिट शिट, और भाई साहब उस साइड ये फूट नहीं गया बिल्कुल भी, शिट 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 हमें उतर के मारना होगा, शिट 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 भाई अब क्या करेंगे यार, यार शिट अब क्या करेंगे, जल्दी यार हमारे पास ग्रेनेड है, ग्रेनेड मार देते हैं। और ये भाग रहे हैं, आप भागो, हाँ अब तो भागोगे ही ग्रेनेड से, तो यहाँ पे उसकी टांट फोड़ दी है हेडशॉट के साथ, और एक लोग आज एक बचा हुआ, जल्दी से रिलोड होगा भाई, जल्दी से होगा रिलोड। यहाँ पे यार ये गन भी, ओ शिट शिट, जल्दी हमें क्या तो वो मारनी होगी। और यहाँ पे हमने ग्लास की बोतल फोड़ दी है जो मोली होती है, और यहाँ पे शिट शिट मर गया है, तो और उस बड़े वाले की भी आग लग गई है शायद, जल्दी भाई रिलोड हो जा, रिलोड हो जा, रिलोड हो जा,
और उस साइड से भी आ गए हैं, देखते हैं कौन है यार। भाई दिख क्यों नहीं रहा है, ये रहा। ओ भाई शिट, यहाँ पे गए। शिट। और भाग, अब तो भाग यार। शिट। अब भी बच गया यार ये भाई, अब कैसे मारे इसको। शिट। बढ़िया भाई, जल्दी जल्दी। ओ इसके आग भी नहीं लगती। शिट मैन भाई, शिट यार, हमारे पास कोई भी गोलियां नहीं है। शिट शिट भाई, अब क्या बोला है। भाई रिलोड हो। शिट, और दोनों साइड से वो भी आ गए यार। शिट भाई रिलोड होता है यार। रिपेयरिंग प्रोग्रेस हो रही है दोस्तों। शिट भाई, शिट यार, कोई गन भी नहीं है यार हमारे पास। शिट यार, गोलियां भी बहुत कम है यार। जल्दी जल्दी हो जाओ। और सारी साइड से यार वो लग रही है, और इसको तो मार दिया मोटे वाले को। और वहाँ से लग रहे हैं भाई साहब, इस साइड भी गोली। भाई साहब उस साइड से भी आ रही है। शिट। और मार दिया है इसको तो, उसको भी मार दिया है। और गोलियाँ ले देता हूँ मैं जल्दी से इनकी। और इसको भी मार दिया है। और जल्दी रिलोड हो जा भाई, रिलोड हो जा। हो गया। अरे यार मर जा, मर गया। इस साइड भी कुछ, यहाँ पे भी खड़े मेरे खाते इसके अंदर। और ये रहा, ज़्यादा मार के आ रहे हैं। ओ भाई और भी आ रहे हैं। शिट। भाई रिपेयर कर ले यार जल्दी से, कोई दिक्कत। और यहाँ पे हो चुकी है रिपेयरिंग कंप्लीट। चलो सही है दोस्तों। भाई यार शिट, यार मरता क्यों नहीं यार ये मोटा वाला, मरता ही नहीं बिल्कुल भी। पहले छोटे वाले को मार देता हूँ। भाई मेरे पीछे क्यों लगा हुआ है यार। ओ भाई सर मार भाई, अब मैं सोचा यार अभी फट जाता यार, कुछ दिक्कत हो जाती। भाई मैं डर गया था बिल्कुल, मैं सोचा अभी फटेगा यार ये। और फट जा भाई, फट जा यार। उसके पास को नहीं फटता यार ये, मेरे को समझ में क्यों नहीं आ रहा। तो चलो भाई इनकी गोलियां ले लेता हूँ। रिलोड हो जाए यार जल्दी। किल द रिमेनिंग पायरेट्स, सारे भाई पायरेट्स को मार दिया, बहुत मस्त से मारा है इनको। भाई यार लाइक कर देना इसके लिए, इतनी मस्तों से मारा है, इतने सारे लोग आ गए हैं और फिर भी यार लाइक नहीं करते यार तुम। जेसन तो गोलियां ले लिया सबकी। गेट इन, यहाँ पे हेलीकॉप्टर हो चुका है। ठीक, अब चलते हैं और बिल्कुल सीधा रोड है, सीधे रोड से आते हैं। अपग्रेडिंग इन सिंगापुर, यहाँ पे सिंगापुर में जा रहे हैं। और यहाँ पे इसने एक फैक्ट भी बता दिया दोस्तों, सिंगापुर में जो गम चबाना मतलब च्युइंगम चबाना इल्लीगल है। तो यहाँ पे सही है दोस्तों, गेम तो कह दे रहे हैं, कुछ पता भी लग रहा है इसमें सही है। तो यहाँ पे अंदर बैठ गया है, थोड़ा सा डर लग रहा है जेसन भाई को। और यहाँ पे है कंट्रोल्स, खैर हमको तो करना क्या है, यही संभालेगा। माय मैन सैम इज एम्बेडेड इन द हाउस। तो ये कोई ऐसे कह रहा है, मेरा एक आदमी है सैम नाम का, उसने होए ट्रूप्स का वो मतलब एक उनके मिला हुआ है उसके अंदर, और उनके साथ मिला हुआ है, पर वो दोस्तों है हमारे साथ। तो ये सही काम है, आप देखते हैं उसे सैम के साथ मिलके हमें कुछ करना होता है या कुछ नहीं करना। एट माई शेयर माई मिस्टेक बट इट्स अबाउट टू पे ऑफ। ये शेयर आई वांट टू गो जंगल हाबू। तो यहाँ पे बिल्कुल कुछ है। ओ भाई साहब यहाँ पे उड़ चुका है प्लेन, और देखते हैं क्या होता है। मेरे ख्याल से लोडिंग हो चुकी है, लोडिंग हो रही है। टिप आ चुकी है, हंट एनिमल्स एंड यूज देयर स्किन टू क्राफ्ट। और लोडिंग हो चुकी है कंप्लीट। सेविंग, व्हाट डू यू मीन बाय दैट। यहाँ पे आ चुके हैं फिर से वही शब्द जो कि स्टार्टिंग में आए थे और बीच में भी दो तीन बार आ चुके हैं। कांट एक्सप, यहाँ पे एक बार तो दबाए थे जब हमने उसको मारा था वास्को, और एक बार पहले आए थे। आई कांट एक्सप्लेन माई सर, आई एम अफ्रेड सर सेड आई लाइक बिकॉज आई एम नॉट माई सेल्फ। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, गाना तो यहाँ पे चल रहा है, ट्यूनिंग तो बढ़िया थी यहाँ पे सस्पेंस वाली। देखते हैं, सेविंग हो चुकी है और यहाँ पे हो चुका है, उतर रहा है। और दिस इज योर स्टॉप फ्लाई जैसन फ्लाई। तो यहाँ पे इसके मेरे ख्याल से वास आइलैंड के ऊपर आ चुका है, और देखते हैं क्या आता है। भाई साहब ये डर रहा है कि ये खुले भी गा क्या जो भी स्टार है।
गुड लक विद रशिया, यहाँ पे रशिया के साथ कह रहा है कि मैं रशिया करूँगा। ओ भाई साहब, ओ भाई ये तो पूरा गिर रहा है। तो भाई ये कूद चुका है इस आइलैंड के और मैंने खोल दिया है विंग सूट। ओ भाई नीचे देख रहे हो यार आप कितनी ऊंचाई से कूदा है यार। ओ भाई भाई पहुंच जाए यार जल्दी। ओसम तो ठीक है, यहाँ पे विंग सूट टूट फूट गया तो भाई मर जाएगा तुम बेकाम में। यहाँ पे क्यों इतने पंगे ले रहा है। तो हमें वहाँ पे पहुँचना है और हमें पहुँच जाते हैं वहाँ पे डिप्लॉय पैराशूट। पैराशूट हमने खोल दिया है, देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। और यहाँ पे हमें उतरना है तो उतर जा भाई जल्दी यार, पैराशूट भी हो जाए यार। गोल गोल घूम के करना पड़ेगा यार, ये तो पबजी की तरह है बिल्कुल। और यहाँ पे हम उतर गए हैं पैराशूट से, यहाँ पे गिर गया जेसन लैंड इन साउथ आइलैंड। ओसम तो भया हो गया भाई साहब, मजे तो हमको भी आ रहे हैं बहुत ज्यादा। यहाँ पे किरदा पैरेट एंड टेक देयर ट्रक, भाई मतलब यार ये पायरेट्स हैं क्या, मतलब ये क्या चाहते हैं यार, ये मरना चाहते हैं बिल्कुल ही मरना चाहते हैं। तो वहाँ पे खड़े हुए हैं दो स्नाइपर राइफल्स और यहाँ पे दो वो खड़े हुए हैं। पहले तो भाई हम उस शेर को छुड़ा देते हैं जिससे कि भाई हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। और यहाँ पे देख रहे हो यार हो गया ना। ओ भाई 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 शेर से हमको देख लो, शेर भाई खा जाए यार, एक तो हमने छुड़ाया तो ऐसे ही मत करा कर यार शेर। स्नाइपर राइफल्स को मार देते हैं, ये बहुत मारते हैं। हाँ हाँ एक तो मर गया, दूसरा दूसरा दूसरा। अब यार ये शेर हमारे ही पास आ जाए ना तो दिक्कत हो जाएगी। अरे भाई यार ये हिल बहुत है यार, इसका रिकॉर्ड बहुत है भाई। शेर कहाँ पे गया? हाँ बोरा 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 है यार, यार यही है तो शेर मर जा भाई। हाँ शेर मार दिया यार, इसलिए तो हमने तेरे को जुड़ाया था भाई, पहले शेर को मार देते हम। अरे यार ये अच्छा तो नहीं है कि हम जिसने हमारी हेल्प की, पर यार ये जा भी तो नहीं रहा है यहाँ से, वहाँ पे जाएगा यार पानी में मरेगा क्या, इसको ऐसे ही मार देते हैं। नहीं तो यार बेगम में हमारा वो होता है ना, हमारी थाली में चेज करते हैं तो वैसे ही खा जाएगा हमें ही। और एक बात सही है यार, इसकी वो भी मिल जाएगी हमें स्किन। भाई ये पानी में कहाँ जा रहा है यार, रुक जाए यार एक जगह। भाई मैं मानता हूँ यहाँ तक को डर लग रहा है पर क्या कर सकते हैं। अरे रुक जा भाई, यहाँ पे हमने मार दिया सुमरातन टाइगर को राइट में आप देख सकते हैं, तो इसकी ले लेते हैं हम। पर यार गोली बहुत कम करवा दी यार इसने, देख रहे हो भाई साहब कितना वो है बिल्कुल। तो यहाँ पे कितना भयानक वाला शेर है ये, तो भाई पूरी ख़त्म कर दे बिल्कुल सबको। तो हमें यहाँ पे लेना है अब ट्रक, देखते हैं कहाँ पर जाते हैं हम। तो हमने ले लिया यहाँ से ट्रक और देखते हैं बाद में हमें कहाँ पर जाना है, सीधा सीधा जाना होगा। और हम देखते हैं पहुँच जाते हैं या पहुँच पाते हैं या नहीं। तो 180 मीटर है, देखते हैं कहाँ पे जाते हैं और कहाँ पे हम इस ट्रक को लेके जाना है और क्या होता है उस ट्रक पे ले जाने के बाद। तो हम यहाँ पहुँच चुके हैं थ्रस्ट टाउन टाउन, तो ये एक नया टाउन है और भाई साहब लगा तो रखें इसके गेट भी। तो यहाँ पर हमें उतरना है, मैं उतर चुका हूँ, उसके अंदर जाना है मेरे ख्याल से। तो इसके अंदर तो हम चले आ चुके हैं और ये इसने गन रख दिए वापस, क्रेजी कॉक तो बार है यार ये कोई। तो इसके अंदर जाते हैं, तो देखते हैं। और यहाँ पे गेट तो खुल नहीं रहा है मेरे ख्याल से, बैक वाला गेट है तो यहाँ से हमें खोलना होगा। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं अंदर और यहाँ पे कुछ वॉशिंग मशीन सा रखा हुआ है और यहाँ पे है भाई ये कोई आदमी है इसे बात करने hey. देखते हैं hey. hey. यहाँ पे yeah. बातें चल रही हैं। इसने बियर मांग ली है, रुपए कैश दे दिए हैं और शायद कुछ और होता है यहाँ पे। लुकिंग फॉर फ्रेंड्स प्रीवेंटर में सैम, तो भाई ये सैम के बारे में पूछ रहा है। तो भाई ये सही है यार, ये मूवीज में होता है ना कि बियर के साथ साथ कुछ काम देते हैं, जैसा रेगुलर पोकर गेम इन द बैक पॉकेट मोस्टली यू माइट वांट टू थिंक अबाउट दैट यू आर सेविंग राइट। तो ये कह रहा है कि वहाँ पे पोकर गेम होता है रोज और वहाँ पे इनवाइटेड होना चाहिए तुम्हें और फिर तुम्हें अपना आप पता चल जाएगा। फाइंड सैम एट द क्रेजी कोक बार, ये टिक हो चुका है, ये हो चुका है कम्प्लीट। और यहाँ पे कोई है क्या बोलते हैं पायरेट है कोई, वेयर यू गोइंग। तो यहाँ पे इसने रोक लिया इसको, वेयर डू यू थिंक टू प्ले पोकर, यहाँ पे कह रहा है मैं पोकर खेलने जा रहा हूँ इफ़ यू कांट अफोर्ड द बाय इन।
तो ये कह रहा दोस्तों कि इतना ये तुम्हारा टीका ये पहन रहा था कि क्या तुम्हारे पास पैसे भी हैं, पोकर खेलने के, तो इसने दिखा दिया पैसे। तो अभी ये नीचे जाता है, टॉक द प्राइवेट जो भी है अबाउट द सीक्रेट पोकर प्ले पोकर विद सैम। मेरे को तो नहीं पता यार इसमें सैम कौन है। तो आज की वीडियो बस इतनी दोस्तों, लंबी हो जाएगी अगर मैं और भी बनाऊंगा, तो आज की वीडियो में बस इतना है दोस्तों, यहाँ तक होंगे। हमें सैम के साथ बात करनी है, मेरे को नहीं पता इनमें से सैम कौन सा है। तो और सब्सक्राइब जरूर करना, ऐसी रोज वीडियोस मैं डालता हूँ, और लाइक कर देना और कमेंट कर देना अगर आपको करना हो, और नहीं अच्छी वीडियो लगी तो आपको पता ही आपको क्या करना है। तो बस इतना ही दोस्तों, यहीं से स्टार्ट करेंगे कल भी। तो बस इतना ही दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड दोस्तों बाय।